हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक आइकोनिक का लोकल टीवी आया है बनने के लिए। तो दोस्तों, इस टीवी में जो खराबी है वह इसका कलर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कलर दोस्तों इसका लाइट रेड कलर का आ रहा है और दोस्तों यह कलर मिक्सिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको टीवी हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो टीवी में दोस्तों हम सप्लाई दे दिए हैं, चलिए इसको रिमोट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम टीवी स्टार्ट कर दिए हैं, डीटीएच हमारा स्टार्ट है और डीटीएच का एवी कोड हम इसमें लगाए हुए हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका यही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कोई भी चैनल पर दोस्तों कलर इसका सही नहीं आ रहा है। आगे चैनल हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इसका कलर मिक्सिंग नहीं हो रहा है, रेड ज्यादा आ रहा है और धुंधला टाइप की आ रहा है। ठीक है, तो यह दोस्तों खराबी हमारा वीडियो सेक्शन में है। तो वीडियो सेक्शन और पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो बेस लगे हुए रहते हैं वीडियो सेक्शन में, वहां से खराबी भी आता है और यह दोस्तों खराबी पिक्चर ट्यूब से भी आता है। तो तीन जगह से यह खराबी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टीवी खोलकर कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। और आप दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, तब दोस्तों आप संपूर्ण रूप से अच्छे तरह समझ पाइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसा टेक्निकल वीडियो आप हमेशा देखते रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टीवी को खोल लेते हैं, आपको प्रॉब्लम हम टीवी का दिखा दिए हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, हम टीवी को खोल दिए हैं और इसका सिस्टम ऐसी है 8873, इसका अलॉट नंबर है 6V56। ठीक है, और इसका दोस्तों यह 18-3 छोटा वाला हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, पावर सप्लाई में 18-2 है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यह वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों LA78040 IC लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा EST 4014K होगा, 8873 में ज़्यादातर दोस्तों यही लगता है EST। ठीक है, तो दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम हमारा वीडियो सेक्शन में है। ठीक है, तो वीडियो सेक्शन दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर है और पिक्चर ट्यूब बेस देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर इस सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यह पिक्चर ट्यूब है, शीशा पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों वीडियो सेक्शन, बेस और पिक्चर ट्यूब, और यहीं से खराबी आता है और RGB से। तो RGB दोस्तों IC से आउट होता है, इस तार से RGB का कनेक्शन आता है। तो दोस्तों इसमें RGB रेड ग्रीन ब्लू वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आने के बाद दोस्तों यह कलर मिक्सिंग होकर और अच्छे ढंग से दोस्तों इसका कलर दिखाता है। तो सबसे पहले हम RGB का वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा RGB का वोल्टेज सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम टीवी को स्टार्ट कर लेते हैं और वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम टीवी स्टार्ट कर दिए हैं, आपको वोल्टेज दिखा देते हैं RGB का। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों वोल्टेज, ये देखिए दोस्तों वोल्टेज 2.5, फिर यहाँ पर देखिए और ये यहाँ पर देखिए। देखिए दोस्तों तकरीबन RGB का तीनों वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब बेस को देख लेते हैं, तो दोस्तों हमारा खराबी बेस से है, हमको ऐसे ही दिख गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यह प्रिंट है, यह दोस्तों बेस का सर्किट जो लगा हुआ है, यह प्रिंट से दोस्तों टूट गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको सोल्डिंग कर लेंगे, तब चेक करेंगे फिर। और कलर वाला जो समस्या है दोस्तों हमारा सेम बना हुआ है, चलिए आपको इसको एक बार स्क्रीन दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका पिक्चर लाल आ रहा है, ब्लू पिक्चर इसमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यह जो प्रिंट टूट गया है, यह आपको नजदीक से थोड़ा दिखाते हैं। तो सबसे पहले टीवी को बंद कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका यही प्रिंट टूटा हुआ है, निकल गया है। तो इसको दोस्तों हम एक तार से सोल्डिंग करेंगे, यह प्रिंट दोस्तों ऐसे होकर और यह यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं एक छोटा तार से। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं, देखिए दोस्तों यह पूरी तरह प्रिंट टूटा हुआ है। ठीक है, और जिसके कारण दोस्तों कलर मिक्सिंग हमारा नहीं हो रहा है। दोस्तों बहुत गाड़ी आते जाता रहता है, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है साउंड में, इसलिए क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंट है दोस्तों, इस पर हम थोड़ा सा ब्लेड मार देंगे और एक तार के सहारे दोस्तों इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। ये हो गया दोस्तों, चलिए एक तार के सहारे हम इसको सोल्डिंग करते हैं। ये लेते हैं हम तार दोस्तों, और इसको दोस्तों प्रिंट पर जोड़ देंगे। चलिए इसको भी अच्छी तरह सोल्डिंग कर देते हैं।
दोस्तों ये तार तो जोड़े हैं हम, लेकिन दोस्तों प्रिंट फिट टूट गया है, देख लीजिए। इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक पतला तार लेंगे, उससे जोड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो ये बेस का पिन निकला हुआ है, इसको दोस्तों सोल्डिंग करते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस तार को कट कर कर और यहाँ पर जोड़ देंगे, तब दोस्तों अब तो ठीक चलेगा। देखिए दोस्तों हम इसको ऐसे जोड़ दिए हैं, ठीक है, अब जुट गया अच्छी तरह। चलिए टीवी को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अब पिक्चर देखते हैं। तो दोस्तों हम टीवी को स्टार्ट कर दिए हैं, चल ठीक है। और अब हम स्क्रीन देखेंगे, तो दोस्तों हमारा स्क्रीन पूरी तरह सही हो गया है, कलर जो प्रॉब्लम आ रहा था वह सही हो गया है। अब आप ध्यान से देखिए, देख लीजिए दोस्तों यह कलर ब्लू हो गया है और देखने के लायक बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। हर कलर जो है दोस्तों अच्छे ढंग से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा खराबी था दोस्तों यही था। तो एक बात और दोस्तों, अगर आप बना रहे हो कलर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम न ठीक हो, आपको ड्राई सोल्ड नहीं मिले, तो दोस्तों यहाँ पर तीन गो ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं कलर किट के लिए, ठीक है। 23, 83 या 24, 83 दोस्तों ट्रांजिस्टर लगता है। ये देखते एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ, एक ट्रांजिस्टर यहाँ है। तो जो ट्रांजिस्टर आपका खराब होगा वह कलर दोस्तों आपके स्क्रीन पर चढ़ कर आएगा, यानी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों यह ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आरजीबी चेक कीजिए, ट्रांजिस्टर चेक कीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेस को बदल के देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो लास्ट में दोस्तों आप पिक्चर ट्यूब चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही दोस्तों कलर प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आरजीबी का जो कलर आता है दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 150 वोल्ट के करीब कलर आता है। एक बार दोस्तों आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों ब्लू का वोल्टेज है, देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये ग्रीन का वोल्टेज होगा यहाँ, ये देखिए दोस्तों ग्रीन, और ये जो कलर टूटा हुआ था यहाँ पर दोस्तों रेड, यही दोस्तों इसका कलर है, ठीक है। आरजीबी का यही दोस्तों कनेक्शन है, तो तीनों पर दोस्तों वोल्टेज हमारा बराबर आ रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो शेयर और कमेंट दोस्तों जरूर करें और एक लाइक दोस्तों जरूर कर दें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।